आप देख रहे हैं crime100news.com, हर खबर सच के साथ। बांदा, शासन की प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया जाएगा तथा जन शिकायतों का समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र पर ही निवास करेंगे और जनता की समस्याओं के निस्तारण के साथ अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संवाददाता सीमा गिरी की रिपोर्ट। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं और जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पे उतारना और उन योजनाओं से जो वंचित तबके हैं उनको लाभ पहुँचाना सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी। इसके अलावा जो जन शिकायतें हैं, जो भी पब्लिक की डिमांड्स हैं, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना, उसका समय पे और क्वालिटेटिव निस्तारण करना, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सभी अधिकारी फील्ड में रहें, अपने कार्य क्षेत्र में निवास करें, ये सुनिश्चित करें। मैम, बुंदेलखंड का बांदा खनिज मामलों को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रही, कितनी बड़ी चुनौती मानती है इसे, कैसे निपटते हैं? बिल्कुल, जैसा आपने बताया है, ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है कि इस क्षेत्र में क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस तरह से इसमें काम किया जा सकता है। निश्चित रूप से इस पे ध्यान दिया जाएगा और इस क्षेत्र में पूर्व के DM से द्वारा कुछ कार्य योजनाएं थी जो बढ़ावा पड़ी थी, और सुचारू रूप से क्या चलेंगी या उनके अलावा भी अन्य कार्य किए जाएंगे? जो भी योजनाएं हैं, कोई योजनाएं बंद नहीं होंगी, सारी योजनाएं चालू रहेंगी और जो भी अच्छे प्रयास किए गए हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा और उनको अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा। जो योजनाएं हैं उनको सभी को धरातल पे और जो भी वंचित तबके हैं सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैम, जनपद में डेंगू इन दिनों बहुत पैर पसारे हैं, डेंगू वार्ड जिला अस्पताल का एकदम फुल है, अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, डेंगू के लिए जैसा आपने बताया है, तो डेंगू के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षात्मक उपाय है उसकी समीक्षा करके ये देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या कमियाँ हैं और कहाँ पे सुरक्षात्मक उपाय कम हो रहे हैं। इसके अलावा जैसा आपने बताया डेंगू वार्ड के संबंध में, तो इसकी भी मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी, यदि कहीं पे कोई कमी पाई जाएगी तो